आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। दिल्ली में दुकानों पर सीलिंग की तलवार लटकी हुई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अभी भी ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रही, ये कहना है अकाली बीजेपी विधायक मनिंदर सिंह सिरसा और आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक कपिल मिश्रा का। मनिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, जिस तरह से केजरीवाल 31 मार्च के बाद सीलिंग के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर रहे हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होगी और आधी दिल्ली की दुकानों पर सीलिंग हो चुकी होगी। अगर केजरीवाल को दुकानदारों और दिल्ली की इतनी चिंता है तो विधानसभा से बिल लेकर आए, हम सब उनका साथ देंगे। आइए सुनते हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर सीलिंग का हल उन तक नहीं निकल सकता जब तक दिल्ली की सरकार कानून नहीं बनाती। दिल्ली की सरकार अपनी राय देवे, राय देने वास्ते विधानसभा का सत्र बुलावे, वो अंदर अपना रेजोल्यूशन लैके आए, अपना बिल लैके आए, अपना कानून बनाने वास्ते प्रस्ताव लैके आए। उस प्रस्ताव उत्ते असीं सारे यूनैनिमसली उन्होंने साथ दीए, जिहड़ा कि असीं देने नूं तैयार हाँ, और उहदा एक कानून बन के वो रेजोल्यूशन जिहड़ा है वो केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों की राय होगी, दिल्ली के चुने लोगों की राय होगी, दिल्ली के MLA की राय होगी। जदों वो सरकार दे कोल जाएगा तो फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट सोचने मजबूर हो जूगी और यदा रस्ता निकलेगा। उदों तक यदा रस्ता नहीं निकल सकता जब तक दिल्ली की चुनी सरकार ये उत्ते कोई कार्रवाई नहीं करती। अरविंद केजरीवाल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। अज्ज लगभग 81 दिन हो गए सीलिंग चलते, अज तक उन्हें पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाई, अज कह रहे बुलानी आ और भुख हड़ताल से बहना अज तो 30 दिन बाद। अरे भाई, तां तक तो सारी दिल्ली सरकार बर्बाद हो चुकी होगी, फिर भुख हड़ताल से बहना कहदे वास्ते आ? और जे बहना तो अज बैठो और मरण तक भुख हड़ताल से बैठो, लोगों को पता भी लग जूगा कि अरविंद केजरीवाल साडा सका। जदों तक तो तुसीं मुख्यमंत्री नहीं सी उन तक तो सीलां तोड़दे सीगे, हुण मुख्यमंत्री बन गए तो हुण तो तुहाडे तों सील नहीं टुटदी। तोड़ो सील, तुसीं चल के असीं तुहाडा साथ देंगे। तुसीं विधानसभा, तुसीं अपने मुख्यमंत्री रूप जाओ जाके और उत्थे सील तोड़ो, लाजपत नगर दी, अमर कलोनी दी, मैं नाल चलूंगा और मैं 10 तोड़ूंगा, तुसी एक तोड़ो। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आने वाले बजट में दिल्ली सरकार जनता के सहयोग और उनकी राय लेकर बजट तैयार करे। हमने एक गैर सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है वॉइस ऑफ दिल्ली, जो लोगों के विचार बजट के बारे में है वो रखे जाएंगे। आइए सुनते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा को, क्या कहना है उनका दिल्ली बजट पर। देखो, दिल्ली के अंदर बजट आने जा रहा है, दिल्ली का बजट दिल्ली के लोगों के मुताबिक होवे, दिल्ली दी जरूरतों के मुताबिक होवे। इहदे वास्ते असीं चाहुंदे सी कि दिल्ली की सरकार लोगों तो राय लवे, कि दिल्ली सरकार खुद भी कहिंदी सी राय लवांगे पर उन्होंने नहीं ली। पिछले बजट अंदर 17,000 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, 50 ऐसे प्रोजेक्ट सीगे जिहड़े कभी शुरू ही नहीं हो सके। अगर यही 17,000 करोड़ रुपया असीं स्कूलों नूं दित्ता हुंदा तां सब ने छत्तां बन जांदियां, लोग बिना छत्तां दे स्कूल चला रहे हैं। और यही अगर पीण दे पाणी नूं दित्ता हुंदा तां घर घर पीण दा पाणी और सूवेज की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। हुण असीं चाहुंदे हां कि दिल्ली के लोगों तो राय लैके, दिल्ली के लोग की चाहुंदे ने, कितना बजट इस्तेमाल होवे, क्योंकि दिल्ली की सरकार लगभग 2,000 करोड़ रुपया टाटा नूं और रिलायंस नूं दे रही है। क्या वह पैसा रिलायंस और टाटा नूं देना चाहिए? इहदे वास्ते दिल्ली लोगों की राय जरूरी है। क्या वह पैसा दिल्ली की मैट्रो नूं नहीं देना चाहिए ताकि मैट्रो के फेयर घटाए जा सकन, सबसिडी दी जा सके? दिल्ली लोगों की राय जरूरी है। क्या बच्चों की फीस के उत्ते जिहड़ा है और बच्चों नूं जिहड़े बेनीफिट मिलने चाहिए ने वो की होने चाहिए ने? दिल्ली लोगों की राय जरूरी है। इस वास्ते असीं एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाया है वॉइस ऑफ दिल्ली, दिल्ली की आवाज़, जिहदे उत्ते दिल्ली के लोग अपनी राय दे सकते हैं और ये सारी राय करके कंकलूड करके असीं दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर को दिल्ली के लोगों की राय दसांगे और असीं चाहवांगे कि वह अमेंडमेंट करके अपने बजट अंदर दिल्ली के लोग की चाहते हैं वो मुताबिक बजट जिहड़ा है लोगों को दे। ये थी न्यूज़ जैक से हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।